नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टो सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। स्टूडेंट, टुडे वी शैल लर्न अबाउट चैप्टर 6 मल्टीपल्स एंड वेक्टर, पेज नंबर 75-78, सब्जेक्ट मैथ ऑफ क्लास 4। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 4 के चैप्टर नंबर 6 जो है स्टूडेंट हमारा मल्टीपल्स एंड वेक्टर्स, गुणा और गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गुणा और गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये मल्टीपल्स और वेक्टर को समझते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर एक दिख रहे एग्जाम्पल के रूप में 4 × 2 = 8। तो स्टूडेंट, तो ये 4 और 2 जो हमारा है वेक्टर है, क्या है वेक्टर्स है, और एक क्या है मल्टीपल्स है। फोर और टू क्या है स्टूडेंट वेक्टर्स है, और एक जो होता है हमारा मल्टीपल्स होता है। इस प्रकार स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि हमारा 4 और 2 आर द वेक्टर्स ऑफ ए। इस प्रकार स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि 4 और 2 क्या है वेक्टर है, इसके आप 8 बने 8 के। ठीक है, 8 का हमारा 4 और 2 क्या है वेक्टर है। और स्टूडेंट, 8 इज द मल्टीपल्स ऑफ 4 और 2। और इस प्रकार हम इसे, एक जो हमारा है स्टूडेंट क्या है 4 और 2 का मल्टीपल्स है। ठीक है, 8 इज द मल्टीपल ऑफ 4 और 2। स्टूडेंट, आप लोग मल्टीपल्स एंड वेक्टर्स के बारे में समझ चुके हैं। जब हम किसी संख्या को 4 × 2 = 8 इस प्रकार देखते हैं, तो 4 और 2 जो हमारा है 8 का फैक्टर है, और 8 क्या है 4 और 2 का मल्टीपल है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए, इसमें हमको एक चीज और पढ़ना है, इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में। ठीक है, तो इवन नंबर माने सम संख्या है, सम संख्या होता है स्टूडेंट। देखिए, इवन नंबर उसे कहते हैं जो दो का मल्टीपल्स हो, क्या हो, जो दो का मल्टीपल्स हो, या ए नंबर विच इज मल्टीपल्स ऑफ 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। वे संख्या है जो दो का क्या हो, गुणांक हो, उसे इवन नंबर कहते हैं, यानी कि सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में देख लीजिए स्टूडेंट, हमारा सबसे पहला इवन नंबर जो होता है, छोटा इवन नंबर 2 होता है। ठीक है, फिर 4, 6, 8 और इस प्रकार स्टूडेंट हमारा ये इवन नंबर से ये सभी संख्या क्या है दो का मल्टीपल्स है। ठीक है, दो का गुणांक है। ठीक है, और स्टूडेंट आगे हम लोग इसमें एक और चीज हम लोग को जानना है, ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी कि होता है स्टूडेंट हमारा विषम संख्या है। विषम संख्या है ए नंबर विच इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। यानी कि स्टूडेंट, वे संख्या है जो दो का मल्टीपल नहीं। ठीक है, वे संख्या है जो दो का मल्टीपल ना हो, यानी कि एग्जांपल के लिए स्टूडेंट हमारा 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह स्टूडेंट आगे हो सकती है। देखिए स्टूडेंट, ये जो संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो लिखते हैं स्टूडेंट, ये हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, क्या है ऑड नंबर, ये दो का मल्टीपल इसमें नहीं। ठीक है,
तो जिस वे संख्या है जिनका दो का मल्टीपल न हो या वे संख्या जो दो का गुणांक न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं और वे संख्या जो दो का गुणांक हो उसे सम संख्या कहते हैं। स्टूडेंट ये जो ये ऑड नंबर इवन नंबर जो आप लोग को यहाँ पर समझाया गया आप लोग समझ चुके होंगे। अब स्टूडेंट जिनमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर ए है इनको हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट अब देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर ए राइट राइट में लिखिए फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ 14 स्टूडेंट प्रथम पांच गुणांक लिखना है किसके 14 का पांच मल्टीपल लिखना है प्रथम पांच गुणांक लिखना है तो गुणांक का मतलब गुणा ठीक है। तो 14 का स्टूडेंट हम लोग मल्टीपल जो होता है उसको पांच बार आगे लिख देना है। तो देखिए 14 में जा 14 14 टू जा 28 43 जा 14 का हम मल्टीपल लिखे हैं 14 का मल्टीपल यानी कि 14 का गुणांक हम लिखे हैं और वो भी प्रथम फर्स्ट का राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ 14 यानी कि 14 के प्रथम पांच गुणांक लिखना था। तो देखिए 14 में जो 14 14 टू जा 28 43 जा 42 45 जा 44 जा 56 45 जा 17 और 46 जा क्या होगा 84 स्टूडेंट। इसी तरह हम किसी भी संख्याओं के फर्स्ट फाइव मल्टीपल लिखते हैं ठीक है यानी कि प्रथम पांच गुणा या ये देखिए फाइव दिया है तो सिक्स भी दे सकता है सेवन भी दे सकता है एट भी दे सकता है आगे भी दे सकता है स्टूडेंट। ये कोई लिमिट नहीं है कि फाइव ही मल्टीपल मैंने लिखने के लिए कहेगा ठीक है। तो स्टूडेंट जब भी अगर हमको ऐसा सवाल है राइट तो राइट फर्स्ट फाइव या सिक्स या सेवन जो भी है मल्टीपल ऑफ 14 तो आप लोग इसका टेबल जैसे हम लोग लिखते हैं पढ़ते हैं उसी तरह आप लोग इसे आगे लिख लीजिएगा ठीक है। तो स्टूडेंट बी नंबर जो क्वेश्चन है राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ 17 जिस प्रकार स्टूडेंट आप 14 का मल्टीपल लिखे हैं उसी प्रकार 17 का भी फर्स्ट फाइव मल्टीपल लिखना है यानी कि प्रथम पांच गुणांक 17 का लिखना है ठीक है। तो स्टूडेंट 70 का टेबल जिस प्रकार हम लोग लिखते हैं उस प्रकार आप लोग इसे आगे लिख लीजिएगा ठीक है। सी नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट राइट द इवन नंबर बिटवीन 51 एंड 81 ठीक है 51 और 81 के बीच में सभी इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं लिखना है ठीक है। तो वे संख्याएं जो दो का गुणांक हो अर्थात वे संख्या जो दो से भाग देने पर कट जाती हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो स्टूडेंट हमारा 51 से लेकर 81 के बीच में जो भी सम संख्याएं हैं उनको लिख देना है। तो स्टूडेंट देखिए हमारा सबसे पहले क्या आएगा 52 53 हमारा नहीं होगा क्योंकि 2 से हमारा 2 का मल्टीपल नहीं है क्या होगा अगला 54 फिर 56 58 16, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 देखिए 51 से लेकर 81 के बीच में जो भी हमारी इवन नंबर आएगी यही आएगी आप लोग इसे लिख लीजिएगा। अगला स्टूडेंट हमारा डी नंबर जो क्वेश्चन है और राइट ऑल द ऑड नंबर बिटवीन 18 एंड 100 स्टूडेंट 18 और 100 के बीच में सभी ऑड नंबर लिखना है यानी कि विषम संख्याएं लिखना है। तो स्टूडेंट विषम संख्या अभी हम बताए थे ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या अभी हम यहाँ पर आप लोग को समझाए थे कि वे संख्या जो दो का गुणांक न हो अर्थात वे संख्या जो दो से भाग देने पर न कटे ठीक है उसे विषम संख्या कहते हैं यानी कि ऑड नंबर कहते हैं। स्टूडेंट आप लोग जिस प्रकार हम प्राइम नंबर लिखे हैं सॉरी इवन नंबर लिखे हैं यहाँ पर उसी तरह आप लोग ऑड नंबर लिख लीजिएगा ठीक है।
स्टूडेंट अगला जो हमारा क्वेश्चन है द नेक्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ स्टूडेंट नेक्स्ट मैंने अगला फाइव मल्टीपल मैंने पांच गुणांक लिखना है किसका 16 का ठीक है जिस प्रकार ये 16 का टेबल गुणांक लिखा हुआ है उसी प्रकार 16 का टेबल आप लोग पढ़कर इसे आप लोग इसे अगला पांच मल्टीपल्स इनका लिख लीजिएगा। स्टूडेंट आज का जो हमारा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट जो हमारा आगे है हम अगले वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।